किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम होममेड आइसिंग शुगर बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत से डेजर्ट में काम में आती है, केक, पेस्ट्री, डोनट्स में काम आती है। तो आज अपन उसको बहुत ही आसानी से और कम समय में, कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार करेंगे, झटपट तैयार होगी। उसके लिए मैंने एक कप ऑर्डिनरी, जो घर में शुगर काम में लेते आने वाली वो वाली एक कप लिया है, और मैंने एक टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च, जिसको कॉर्नफ्लोर बोलते हैं, जो कि इजीली बाजार में अवेलेबल है, ये मैंने एक टेबल स्पून लिया है। तो इन दोनों का, इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अपन मिक्सी में फाइन चर्न करेंगे। अपन ने ये मिक्सी में बहुत ही फाइन पाउडर तैयार किया है, आप देख सकते हैं कितना जल्दी तैयार हो गया। अपने को इसको बिल्कुल फाइन तैयार करना है। अब अपन इस आइसिंग शुगर से एक बहुत ही टेम्पटिंग कलरफुल स्प्रिंगल्स बनाने वाले हैं, जिसको वर्मिसली भी बोला जाता है, कलरफुल वर्मिसली बनाएंगे। तो उसके लिए अपने को कलरफुल स्प्रिंकल बनाने के लिए मैंने ये एक कप आइसिंग शुगर जो अभी अभी अपन ने तैयार करी है वो लेनी है। अगर आपको कम लेनी है तो कम भी ले सकते हैं। और अब इसके अंदर अपने को 4 टेबल स्पून पानी मिलाना है। नॉर्मल वाटर है, ना गर्म है ना ज़्यादा ठंडा, नॉर्मल वाटर आपको लेना है। अब इसके अंदर 1-1 चम्मच अपने को पानी मिलाना है, धीरे धीरे मिलाकर उसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको अच्छे से 1-1 चम्मच को पूरा अच्छे से मिक्स करें, फिर अब ये पानी दूसरा चम्मच डालते हैं, फिर इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है अपने को कि पानी जल्दी जल्दी पानी डाल देना इसमें, ऐसा नहीं करना है। जब तक ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आवे इतना कम। अब अपन तीसरा स्पून मिला रहे हैं ऐसे, अब लास्ट चम्मच डालना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अभी अपने को 1 चम्मच और लगना है। ये बहुत ही आसानी से घर पे मिल जाती है, बहुत सी जगह मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होती है, लेकिन अपन इसको घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। अभी 1 चम्मच और लगेगा। देखिए आप, बहुत लूज हो चुका है ये, बस अपने को इसको 2 मिनट फेंकना है, मिक्स करना है। ये इस तरीका तैयार हो चुका अपना बैटर। अब इनको अपन अलग अलग कलर्स पे रखते हैं, ये बेस तैयार। अब अपने को इस बेस को 4 भागों में डिवाइड करना है। मेरे पास यहाँ पे 4 कलर है, ड्राई वाले हैं, आपके पास अगर लिक्विड हो, या 2 हैं 2 कलर से भी बना सकते हैं, सिंगल है तो सिंगल कलर से बना लो। मेरे पास ये ग्रीन कलर है ड्राई वाला, ब्लू कलर है, रेड कलर है और येलो कलर है। इसको अपन को 4 भागों में डिवाइड करके इनमें अलग अलग कलर से बना लेंगे। फिर इन सबको अपन पाइपिंग बैग में भरेंगे। बहुत ही आसानी से, और इसको बनाते हुए इतना मज़ा आता है ना, आपको अगर मेहंदी का शौक है तो वो भी पूरा हो जाएगा। ये देखिए येलो कलर दिख रहा है ना, एकदम मैंगो येलो कलर टेम्पटिंग सा। ये मेरे पास ग्रीन कलर, बहुत ही सुंदर बनने वाली है, और वो भी घर पे बिना मेहनत के, ज्यादा मेहनत है ही नहीं इसमें कुछ भी। ये रेड कलर, ये
ये अपना ब्लू कलर, इट्स माय फेवरेट कलर। अब अपन इन सबको एक पाइपिंग बैग लेना है चार। अगर आप आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो कोई भी दूध की थैली लीजिए और उसमें भर दीजिए। और अब बताती हूँ आपको कैसे बनानी है। मैंने ये ऐसे पाइपिंग बैग लिया है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है ना, तो आप कोई भी दूध की थैली होती है, मेहंदी का कोन जैसे बनाते हैं उस तरीके से आप बना सकते हैं। अब इस पाइपिंग बैग में अपन सबसे पहले ऐड कर लो, दूसरा पाइपिंग बैग, इसी तरीके से अपन ये चारों कलर पाइपिंग बैग में भर देंगे। बहुत ही आसानी से बनती है, कभी सोचा नहीं होगा कि मार्केट में इतनी महंगी मिलने वाली, इतनी आसानी से बन जाए। आपके इसको बनाने के लिए या तो फॉइल पेपर या फिर बटर पेपर या फिर कोई भी मोटा प्लास्टिक ले सकते हैं अपन। जरूरी नहीं है, अपने पास बटर पेपर नहीं है तो ये नहीं बना सकते हैं। बिना बटर पेपर के भी अपन बना सकते हैं इसको, मोटा प्लास्टिक कोई भी ले सकते हैं आप। अभी मैं बताती हूँ, मैं तो मोटा पेपर पे ही निकाल के बताऊँगी आपको। ये अपने सारी पाइपिंग भर चुकी है ये। अब मैं आपको बताती हूँ पेपर कैसा लेना। मैंने ये ऐसा इस तरीके का कोई भी मोटा प्लास्टिक लेना है, प्लास्टिक शीट कोई भी आपके पास घर पर रखी है वो आप ले सकते हैं। बटर पेपर इस तरीके से कौन तैयार कर लिया। अपन को इसका हल्का सा मुंह काटना है, बड़ा नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा। अब अपन इसको हल्का सा मुंह काटना है। अब ये मैंने ऐसे प्लास्टिक लिया है इस पे। अब ये इस तरीके से ये बहुत ही सुंदर लगती है। इसको अपन को बनाकर ऐसे ही सारा कलर वाली बना के फिर इसको 4-5 घंटे पंखे के नीचे या नॉर्मल ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ये सूखने के बाद अपन इसको ऐसे उतर जाएगी फटाफट, ये तो है ना, बहुत ही इजी और बहुत ही मजा आ रहा है इसको बनाने में। और 1 कप कॉर्नफ्लोर इसे आइसिंग शुगर से बहुत सारी स्प्रिंकल्स तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स देखो ये सारा मैंने कर लिया है। आप अगर ऐसे लंबा करना चलो, मैंने ऐसे डॉट्स वाले भी करे हैं, आती है ना बारीक बारीक वॉमिसली गोल गोल वाली, वो ऐसे बन जाएगी। अब अपन को इसको 4-5 घंटे तक नहीं छेड़ना है, फिर उसको अपन, मैं आपको 4-5 घंटे बाद मिलते हैं, आपको उतार बता। इतनी सारी 1 कप से बन चुकी है, अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो बहुत सारी बन जाएगी। और अब घर में बनानी है तो जब मन चाह तब बना लेना। अब 4-5 घंटे बाद मिलते हैं आपको, कैसे उतारनी है। ये अपने को सुखाए हुए 5-6 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि ये बारिश का मौसम हो गया था, बारिश आ गई इसकी वजह से थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। आप अगर बारिश का मौसम हो तो इसको नहीं बनाओ। तो अब देख सकते हैं आप जो सूख चुकी है वो यूं ही उतरी, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही उतर के आ रही है। इसको आपको बिना सूखे, चाहे टाइम ज़्यादा लगे लेकिन बिना सूखे इसको आपको उतारना ही नहीं है। ये आप देख सकते हो सूखने के बाद जो सूख गई वो ऐसे ही उतर रही, देख सकते हैं। और ये इतनी अच्छे से बनी है ना, और इतना टेम्पटिंग दिख रही है, आप देख लो। अभी अपन इसको बाउल में लेते हैं, इसी तरीके से सारी उतार लेंगे।